नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम आपको देहरादून में एक ऐसे रेस्टोरेंट पर लेके चलते हैं जहां की यूएसपी ये है कि आप लजीज व्यंजन के साथ साथ किताबों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जी हां, यहां पर गढ़वाल से जुड़ी हुई, पहाड़ से जुड़ी हुई तमाम किताबें हैं और उसके स्वाद ही पहाड़ का फूड भी है, आधुनिक फूड भी मिलता है। इस रेस्टोरेंट की यूएसपी दिखाना चाहेंगे, आप देखेंगे लाइन से मेरे ठीक पीछे पूरी तरीके से पूरी लाइब्रेरी रैक टाइप में बनी हुई है और यहाँ पर मतलब देश के साथ साथ पहाड़ से जो कल्चर है उससे रिलेटेड बुक्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कस्टमर्स आते हैं वो यहाँ की चाय कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ की पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और साथ में किताब भी पढ़ते हैं। तो चलिए, इसी रेस्टोरेंट की कहाँ से आइडिया आया, क्या स्थिति है, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विदुषी भट्ट, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद रेस्टोरेंट में अपना एक नया इन्होंने इनोवेटिव किया है, नया आइडिया लेके आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम से उत्तराखंड पे। नमस्कार। नमस्कार विदुषी जी, ये कहाँ से आइडिया आया और कैसा रिस्पांस मिला है आपको? बुक कैफे का आइडिया तो आई गेस बहुत ही पुराना है। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि अंग्रेजों के जमाने का आइडिया है, फ्रांस में शुरुआत हुई थी बुक कैफे की। बट क्योंकि इंडिया, अभी भारत में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, स्पेशली देहरादून में शायद ही पहला बुक कैफे है यहाँ का, उत्तराखंड में इतना प्रचलित नहीं हुआ है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि यहाँ पे आके इंसान जो है वापस से किताबों की तरफ उन लोगों का रुझान बढ़े, वो खाने के साथ आराम से उनको पीसफुल इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो अपना आराम से खाने का भी लुत्फ उठाएँ और किताबों का भी, और जो है उनको शांति मिले, नए नए राइटर्स मिले, जिसे कहते हैं ना कि किताबें आपको एक जगह बैठ के दूर तक ट्रैवल करवा सकती है, उन्हें वो भी एक फीलिंग मैं दे सकती हूँ। दैट वॉज एंटायर पॉइंट ऑफ इट। और जो है शुरुआत मैंने इसकी, ये जो एंटायर आइडिया था, मेरे ख्याल से हम 35 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं, तो किताबें प्रोक्योर करना थोड़ा सा पहले से आता था, पब्लिशर्स से पहले से बात थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि हाँ किताबें हम प्रोक्योर कर सकते हैं, ना इसके साथ खाना और चाय कॉफ़ी ये सब मर्ज करके एक जगह बनाई जाए जहाँ पे लोग यही जितनी भी देर आके बैठें, सब्सक्रिप्शन बेसिस एक मॉडल हो, सुबह से शाम भी अगर इंसान बैठना चाहे तो बैठ के आराम से या किताबें पढ़े नहीं तो हमारा मेन्यू है, कॉन्टिनेंटल मेन्यू भी है, देसी इंडियन मेन्यू भी है, और हाँ अब लोगों ने कहा है कि आप पहाड़ी व्यंजन भी शुरू करो, तो हम टुडे स्पेशल में पहाड़ी व्यंजन भी वीकेंड्स पे या कभी ना कभी डालते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें विदुषी जी, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिला, ये किताबें हैं इसमें किस तरीके की किताबों की अगर फेरिस्त ज़्यादा लंबी रहती है? सब जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पूरे इनिशिएटिव को भी एंड इस पूरे आइडिया को भी, एम्बियंस को भी, लोगों को एम्बियंस भी बहुत पसंद आ रही है और खाने को भी, चाहे वो कॉन्टिनेंटल मेन्यू हो चाहे वो इंडियन मेन्यू हो, लोगों को काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और किताबें मैंने यहाँ पे फिक्शन टू नॉन फिक्शन टू माइथोलॉजी टू स्पिरिचुअल टू लिटरेचर टू फिलोसफी टू स्पोर्ट्स टू इन्वायरमेंट, हर तरह की किताबें रखी हैं और हिंदी के साहित्य की, हिंदी का साहित्य, हिंदी किताबें और उत्तराखंड की किताबें भी, आपको यहाँ पे गढ़वाली में लिखा हुआ प्ले टू कुमाऊँ के लोग कथा, हर चीज़ मिल जाएगी। तो उत्तराखंड और हिंदी का साहित्य भी हमारे पास पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो उत्तराखंड का साहित्य और हिंदी सब मिल जाएगा। हम चलिए कुछ कस्टमर से भी बात करते हैं, उनका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये आइडिया कैसा लगता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड। कैसा फील करती है? बहुत ही अच्छा लगा जब हमने फर्स्ट टाइम ये सुना, तो ऐसा लगता है कि वापस अपने रूट से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है जो यंग बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग है, एग्जाम है, कभी कभी आपको घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो बच्चे यहाँ आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि पढ़ने के साथ साथ वो अच्छा खाने को भी उनको मिलता है, और जैसे यहाँ हमारे रूट से जुड़ी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं जो हम शायद आज की जनरेशन भूल गई है खाना, तो उसके साथ साथ आप दोनों चीज़ का लुत्फ ले सकते हैं, खाने का और आप पढ़ाई भी कर सकते हो हर तरह की बुक से, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सराहना कर रही हैं।
हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि काफी देर से हम देख रहे थे कि फूड के साथ साथ मैडम किताब का भी लुत्फ ले रही है, तो इनसे भी जानेंगे मैडम कैसा फीडबैक है, मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट, ये जो फूड का कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेंट में बुक्स एंड फूड का, कैसा लगता है? देहरादून के हिसाब से देखें तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लगता है ना, अगर हम पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जैसे कि विदुषी जी ने बताया कि फ्रांस से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन देहरादून के लिए एक नया है। इससे पहले एक शायद कोई कैफे है जो लाइब्रेरी विद कैफे करके चलाते हैं यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि हम जिस तरह से मैम ने बताया कि रूट से कनेक्ट हुए हैं, है ना, तो आजकल जैसे बच्चे हैं कि वो ज़्यादातर मोबाइल पे अपना समय बिता रहे हैं, तो ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और लाइब्रेरी विद फूड द कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस। देखा आपने कि कॉन्सेप्ट की सराहना हो रही है, तो खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत पीसफुल माहौल मिलता है, यहाँ पर आप किताबों के साथ साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं, और आज के जो मोबाइल इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री है, इसमें अगर हम बात करें जड़ों से जुड़े रहने की, उस ज्ञान अर्जन करने की, तो उसके लिए एक मुफीद साबित हो रहा है। उसका फीडबैक जो यूथ्स को भी काफ़ी ये पसंद आ रहा है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।